मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े लड़की को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़की फोन पर बात करते हुए सड़क पर जा रही है, तभी एक कार आकर रुकती है। गाड़ी को देखते ही लड़की भागने लगती है। कार से दो लोग उतरकर जबरन उसे पकड़ते हैं और खींचकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मामला अहियापुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित दादर रोड की है। अभी वायरल हो रहा था उसका सूचना पर हम लोग भी पीओ पर पहुंचे थे। पीओ पर पहुंचने के बाद वहां कुछ लोगों ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई थी उजला रंग की और एक महिला को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके ले जाया गया। महिला कुछ विरोध कर रही थी और कुछ उन लोगों को जो ले जा रहा था उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह की बात आई थी। स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला था। इसके आधार पर जब उसका छानबीन किया गया और पता लगाया गया तो पता चला कि संभूता और आई थाना क्षेत्र का एक मामला है। वहाँ पर एक पूजा और पूजा नाम की लड़की है, चंदा नाम का लड़का है। संभूता गांव के रहने वाले थे। इन लोग अपना लव मैरिज किए थे और शहबाजपुर में मुजफ्फरपुर में लोग रह रहे थे। टीचर का काम करते हैं उनके पति। तो कुछ आपसी अनबन इन लोग का हुआ था। इसी में पत्नी घर से निकल गई थी घूमने के लिए और दादर की तरफ जा रही थी और उनके पति जब खोजते हुए वहाँ पहुँचे मिले तो उनको गाड़ी में बैठा के फिर घर ले गए हैं। पत्नी का बयान लिया गया। पत्नी बताया कि अनबन हुआ था और हम लोग के बीच में ऐसा कोई विशेष कोई झगड़ा फसाद की बात नहीं है या कोई घटना दुर्घटना की बात नहीं है।